तो आ गए हैं बेस्ट साउंड क्वालिटी वाले पार्टी स्पीकर्स 10 से 20 हजार के अंदर अंदर में। अब पार्टी घर में हो या घर के बाहर, इन स्पीकर्स को कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ये पोर्टेबल स्पीकर साइज में भले ही छोटे लगें, लेकिन इनमें साउंड आउटपुट मिलेगा सुपर से भी ऊपर। चलिए तो फिर देर किस बात की, लिस्ट में सबसे पहले आ जाता है JBL Encore। ये स्पीकर इनबिल्ट बैटरी के साथ आता है और इसको पावर बैंक की तरह भी यूज कर सकते हैं। हालांकि बैटरी सिर्फ 4800 mAh की ही है, लेकिन फिर भी 3 घंटे का बैकअप फुल वॉल्यूम पे इजीली मिल जाता है। इसमें एक्सटर्नल माइक लगाने का ऑप्शन भी दिया है, तो जिनको गाना गाने का शौक है वो करियोके का मजा इस स्पीकर में ले सकते हैं। लेकिन मेन चीज है इसकी साउंड क्वालिटी। 100 वॉट्स का पावरफुल साउंड एक कमरे को हिलाने के लिए मोर देन इनफ है। आवाज में सभी इंस्ट्रूमेंट्स क्लियर सुनाई देते हैं और बेस की क्वालिटी भी जबरदस्त है। JBL के स्पीकर में फुल वॉल्यूम पे आवाज फटती नहीं है, जिसके लिए थोड़ा प्रीमियम प्राइस भी पे करना होता है। अभी डिस्काउंटेड प्राइस में ये 20,000 में आ रहा है। स्पीकर में दोनों 2.1 चैनल के ट्वीटर्स दिए हुए हैं, प्लस एक बड़ा सबवूफर। इस सबवूफर पे RGB लाइट्स भी लगी हुई है। ये लाइट्स म्यूजिक के साथ सिंक में रहती है, जो कि देखने में एक क्लासी लुक एंड फील देता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि RGB लाइट्स को हमेशा ऑन रखना है, तो डायरेक्ट पावर सप्लाई से चलाना बेटर रहेगा, नहीं तो बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। और फिर ऐसे बड़े स्पीकर्स को पावर सप्लाई से ही चलाना चाहिए, क्योंकि इससे बेस भी हाई मिलता है। लेकिन जिन लोगों को बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए ही चाहिए, उनके लिए है साउंड कोर का रेव मिनी। इसका साउंड भी टॉप क्लास है और साइज भी इसका JBL से छोटा है। अगर कहीं ट्रिप पे जाते हैं ना, तो इस टाइप का स्पीकर बढ़िया रहता है, क्योंकि एक तो इसमें 9-10 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है, और वो भी फुल वॉल्यूम पे। दूसरा, ये स्पीकर 100% वाटरप्रूफ भी है, यानी आउटडोर पार्टीज हो या फिर पूल पार्टीज करने के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस रहेगा। साउंड क्वालिटी की बात करें तो टोटल 80 वॉट्स की मदद से पावरफुल साउंड निकल के आता है। साउंड में कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, बेस पंची मिलता है। इसके अलावा मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके साउंड को एडजस्ट भी किया जा सकता है। वैसे मोबाइल ऐप तो JBL का भी मिल जाएगा, मैं बताना भूल गया था, लेकिन साउंड कोर का प्राइस JBL से काफी कम है। इसी मोबाइल ऐप के अंदर RGB लाइट्स को चेंज करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। बाय द वे, साउंड कोर और JBL दोनों की बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है। जहां ज्यादातर स्पीकर्स अपनी बेस से खुद ही खनकने लगते हैं, वहीं इन स्पीकर्स में बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। तो ओवरऑल सबसे कम प्राइस में तगड़ा साउंड चाहिए तो ये स्पीकर सही रहेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर बजट की कोई टेंशन नहीं है, तो एक और अच्छा स्पीकर है जिसमें सिमिलर से फीचर्स मिल रहे हैं। ये है ट्राइबिट का स्ट्रोमबॉक्स ब्लास्ट, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, क्योंकि इसमें लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 मिलता है। इस ब्लूटूथ वर्जन में बैटरी बैकअप को काफी इंप्रूव किया गया है। फुल वॉल्यूम पे 12 से 15 घंटे का बैटरी बैकअप किसी और स्पीकर में नहीं मिलने वाला। अब जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये बूमबॉक्स डिजाइन में आता है, जो कि ट्रैवलिंग के लिए परफेक्ट रहेगा। प्लस इसके अंदर डुअल सबवूफर्स भी मिल जाते हैं, यानी इसमें बेस भी डायनामिक मिलेगा। बाकी इसकी साउंड क्वालिटी बहुत वाइब्रेंट है, देर तक सुनने में मजा आता है, प्लस एक वाइडर साउंड स्टेज भी मिलेगा। ओवरऑल इसका साउंड आउटपुट मुझे बोस के स्पीकर से मिलता जुलता लगा। इसके अलावा इक्वलाइजर्स की मदद से साउंड को और भी इंप्रूव किया जा सकता है। मोबाइल ऐप में RGB लाइट्स को चेंज करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो ले दे के कॉम्पैक्ट साइज में काम की सभी चीजें मिल जाती है। बस एक एक्सटर्नल माइक नहीं लग पाएगा, माइक का स्लॉट नहीं है, बाकी सब टॉप नॉच है स्पीकर का। पर जिन लोगों को चाहिए कैरियोके स्पीकर जिसमें एक्सटर्नल माइक भी लग जाए और जिसमें वॉइस की पिच को चेंज भी कर पाए, तो आपके लिए है सोनी का ये पार्टी स्पीकर। इसमें अलग अलग वॉइस प्रीसेट्स इनबिल्ट मिल जाते हैं और वॉइस में इको इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, जो कि सिंगिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बाकी इसमें CD डिस्क लगा सकते हैं, USB ड्राइव लग जाएगी, साथ में FM कनेक्शन भी दिया हुआ है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं म्यूजिक को प्ले करने के लिए, और साथ में एक रिमोट कंट्रोलर भी दे रहे हैं, जिससे इस स्पीकर को यूज करना कन्वीनियंट रहता है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो 150 वॉट्स का साउंड आउटपुट मोर देन इनफ रहेगा। इसमें स्टीरियो ट्वीटर्स मिल जाते हैं, जो हल्के से लेफ्ट राइट डायरेक्शन में टिल्ट किए हुए हैं। इससे वाइडर साउंड स्टेज निकल के आता है दोस्तों। इसके इनबिल्ट एम्पलीफायर में सारे इक्वलाइजर्स मिल जाते हैं, बेस हो या ट्रेबल सब कुछ डायरेक्टली स्पीकर से ही कंट्रोल कर पाएंगे। तो एक पावरफुल पार्टी स्पीकर है जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं, बस एक इनबिल्ट बैटरी का कॉम्प्रोमाइज करना होगा। लेकिन मैं तो कहूंगा इतने बड़े स्पीकर में वैसे भी बैटरी ज्यादा नहीं चलने वाली, और फिर एम्पलीफायर को चलाने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती ही है। बाकी आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख लीजिए, कॉमेंट कर देना कोई डाउट हो तो।
चलिए अब जिनको चाहिए एक पोर्टेबल स्पीकर जिसमें इनबिल्ट बैटरी भी हो, JBL जैसा डिजाइन भी मिल जाए और जिसमें सोनी जैसे कैरियर के फीचर्स भी आते हों, तो उनके लिए है फिलिप्स का टेक्स 3206, अनदर रेप्यूटेड ब्रांड जिसका प्राइस भी कम है और सभी स्पीकर्स के मिले जुले फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। समझ लो 12,000 के प्राइस में मैक्सिमम फीचर्स देने की कोशिश की गई है। ये 80 वॉट्स का स्पीकर पावरफुल साउंड प्रोड्यूस करेगा, साथ में बेस और ट्रिबल को मैनुअली एडजस्ट भी कर पाएंगे। इसके अलावा माइक की वॉइस में इको ऐड कर सकते हैं और वॉइस की पिच को चेंज करना भी इसमें पॉसिबल है। बैटरी बैकअप की बात करें तो 5 घंटे का बैकअप फुल वॉल्यूम पे मिल जाता है, विच इज नॉट बैड एट ऑल। जो लोग गिटार बजाते हैं उनके लिए भी गिटार इनपुट पोर्ट इसमें दे रहे हैं, तो अगर मैक्सिमम फीचर्स वाला स्पीकर चाहिए तो फिलिप्स के इस स्पीकर को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी कुछ फालतू ब्रांड्स जैसे कि बोट और जेब्रोनिक से तो दूर ही रहना दोस्तों, ना तो साउंड क्वालिटी में मजा आएगा और ना ही बिल्ड क्वालिटी बढ़िया मिलेगी। उससे अच्छा एक बार स्पेंड करके मेरे बताए स्पीकर्स में से कोई भी बाय कर लोगे ना तो बाद में रिग्रेट नहीं होगा। अब आपको कौन सा स्पीकर अच्छा लगा ये कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। ऐसे ही टॉप क्लास ब्लूटूथ हेडफोन्स देखने हैं तो राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो और इस वीडियो को लाइक करके जाना अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो। मेरा नाम है पंकज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।